आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, इसे हमने किस के रखा हुआ है, 3-4 टमाटर इसे बारीक काट लिया है, 1 बड़ा प्याज इसे भी बारीक काट लिया है, 2 शिमला मिर्च इसे इस तरह से काट के रखा हुआ है, इसके बीज निकाल दिए हैं हमने, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा और तेल। चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डालिए, तेल थोड़ा गर्म हो जाए। देखिए तेल गर्म हो गया है, जीरा डालेंगे, प्याज डाल देंगे, 2-3 मिनट प्याज को भून लेंगे हम। देखिए प्याज 2-3 मिनट हमने भून लिए हैं, थोड़े से भून चुके हैं ये, इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है। हरी मिर्च डाल देंगे और ये शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे भून लेंगे 2 मिनट हम। देखिए हमने शिमला मिर्च को भी 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम ये टमाटर डालेंगे और टमाटर को नरम होने तक पका लेंगे हम। देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डालिए, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 1 मिनट मसाले को ही भून लेंगे। देखिए मसाले डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट भून लिया है। अब हम ये पनीर डाल देंगे जो हमने किसका रखा हुआ है। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए आप, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे, मिला लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। देखिए हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। ये क्विक एंड सिंपल पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।